वेलकम टू माई चैनल ज्ञान द ट्रेजर। ज्ञान द ट्रेजर पे आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि देसी ऑमलेट, हमारे गांव की औरतें जो हैं ऑमलेट कैसे बनाती हैं और कितना टेस्टी होता है, ये तो आपको खाने के बाद पता चलेगा। तो ये देखिए, ये कढ़ाई है, कढ़ाई बोलता हूँ, ये तवा है और तवे के ऊपर, तवे को हमने अपने गैस के ऊपर रख लिया है, हल्का सा गर्म हो रहा है और इसके ऊपर हम 2 चम्मच तेल डाल देते हैं। आप इसमें रिफाइंड तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसमें बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसमें सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 1 चम्मच तेल आप और डाल सकते हैं ताकि आपको सुविधा हो उसको पलटने में, यथा अनुसार। और ये देखिए, हमने पहले से यहाँ पे तैयार रखा था, ये हमारा अंडा है, हमारे कटे हुए पीसेज हैं टमाटर के, प्याज और हरी मिर्च। अब इसको आप मिक्स करेंगे, पहले आप अंडे को तोड़ लीजिए। ये देखिए अंडा टूट गया, इसे हम इसमें डाल लेते हैं। ये हम डबल ऑमलेट बना रहे हैं, ये दूसरा अंडा डबल है, ये दोनों अंडे को हमने तोड़ लिया है। इसमें हम स्वादानुसार थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा नमक, ये देखिए हमने थोड़ा सा नमक डाल दिया। ऐसे आप, चूँकि ये गाँव की औरत है तो हाथ से ही डाल देती है, ऐसे आप इसे चम्मच से भी डाल सकते हैं। तो ये आपको स्वादानुसार जोड़ना है, उन्होंने स्वादानुसार इसमें डाल दिया। ये इसमें थोड़ा सा प्याज अपने स्वाद के हिसाब से, थोड़ा सा अपने हिसाब से डालिए। तो ये आपने डाल दिया है, उसके बाद टमाटर और मिर्ची, आपको जितना स्वादानुसार चाहिए उतना आप इसमें मिर्ची ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, उसके बाद आप इसे फेंट लेंगे। जैसे अंडा फेंटने वाला होता है, पर आप, चूँकि हम गांव में बना रहे हैं, देसी है, तो आप चम्मच से फेंट सकते हैं, बिल्कुल घरेलू स्टाइल में। आपका जो उधर ये है वो गर्म हो चुका है और ये हमने जो फेंटा था उसे पूरी तरह से डाल दिया है। आप इसे बड़ा करना चाहें तो आप तवे को हिला सकते हैं। अगर आप इसे थोड़ा सा हिला देते हैं तो थोड़ा सा आपका जो ऑमलेट है उसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ये देखिए, ये आपका ऑमलेट का जो शेप है तो दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। आप ये चाहें तो गार्निश भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे धनिया का पत्ता भी डाल सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। अभी हमारा ये ऑमलेट बन रहा है, एक साइड से गर्म हो रहा है। ये देखिए, इसकी जो शक्ल है काफ़ी अच्छी लग रही है। आप एक बार देख लीजिए कि अच्छे से पका है कि नहीं, ताकि आपको पलटने में सुविधा हो। देखिए आपका जो ऑमलेट है, एक तरफ ऑलमोस्ट पक चुका है और ऐसा है कि ये पकने की, पलटने की पोजीशन पे आ चुका है हमारे कैन से। ये देखिए, तो ये भी थोड़ा सा पकना बाकी है, तो अगर आप इसे पलटेंगे तो होगा ये, शायद ये टूट सकता है। आपका जो ऑमलेट है अगर नहीं पका तो आप थोड़ा सा तेल डाल सकते हैं इसमें, अगर फिर पलट देंगे। ये देखिए, ये जो आपका ऑमलेट है ये एक तरफ पक चुका था और ये दूसरी तरफ पक रहा है। ये देखिए, ये आपका ऑमलेट ऑलमोस्ट बन चुका है। ये देखिए, हल्का सा अगर आप इस तरह थोड़ा सा कच्चा रखेंगे तो इसको खाने में आपको काफ़ी अच्छा टेस्ट लगेगा और इसे आप प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखिए, ये आपका ऑमलेट बनके रेडी है। अगर आप इसे चाहें तो इसे धनिया के पत्ते से गार्निश कर सकते हैं, इसको भी धनिया का पत्ता डाल सकते हो, देखने में काफ़ी खूबसूरत लगेगा और खाने में काफ़ी टेस्टी लगेगा। तो ये हमारा है तैयार देसी ऑमलेट, जो हम लोग गाँव में जिस तरह बनाते हैं।
तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।